गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अनु छाबड़ा। जैसा कि आज के वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मैं शेयर करने वाली हूं आपके साथ अपना स्किन केयर रूटीन। मेरा स्किन केयर रूटीन बहुत ही सिंपल है, मैं ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ अपने फेस पर। आज से 5-6 महीने पहले मेरे फेस पर बहुत ज्यादा पिम्पल्स हो रहे थे, तभी मैंने अलग अलग ब्रांड्स के क्रीम्स, सीरम्स और टोनर्स ट्राई किए, बट कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। मैंने बहुत सारे DIYs भी ट्राई किए, बट वो भी मेरी स्किन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ड्राई कर रहे थे और पिंपल्स भी हो रहे थे। DIYs के बारे में हमें लगता है कि वो घर की चीजें हैं, नेचुरल हैं, तो हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगी, बट जब हम उन्हें ट्राई करते हैं तो तभी हमें पता चलता है कि हमारे स्किन को क्या सूट कर रहा है। देन मैंने कुछ ब्लॉगर्स को दी फेस शॉप के प्रोडक्ट्स यूज करते हुए देखा, वहां से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, तभी से मैं उन्हें यूज कर रही हूँ और आप मेरे स्किन में डिफरेंस देख सकते हैं। आज मैंने कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं किया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी स्किन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है, बट हाँ, अब मेरी स्किन में जितना भी इम्प्रूवमेंट है मैं उससे काफी सेटिस्फाइड हूँ। अभी भी मेरी स्किन पर कुछ लाइट स्कार्स हैं, बट पिंपल्स बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं और मैं इसी रूटीन को आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ। सो गाइस, अगर आपकी स्किन भी ड्राई है और आपके पिंपल्स हो रहे हैं, स्किन बहुत ही पैची हो रही है, तो आप डेफिनेटली इस स्किन केयर रूटीन को ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज इसे दीजिएगा एक बड़ा सा थम्स अप और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोज को मिस नहीं कर पाए। और अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। सो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी। बेसिकली मॉर्निंग और इवनिंग मेरा रूटीन सेम ही है। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और सबसे पहले अपने दो होली ग्रेल प्रोडक्ट्स में से मैं पहला यूज़ करूंगी, ये है चिया सीड का हाइड्रेटिंग टोनर। ये बहुत ही अच्छा टोनर है फ्रेंड्स। जो दूसरे टोनर्स हैं आपके फेस के नेचुरल ऑयल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट ये टोनर बहुत ही अच्छा है, आपके स्किन में हाइड्रेशन को वापस लाता है। इसे मैं कॉटन के ऊपर लगाकर अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं इसे डायरेक्ट फिंगर्स पे लेकर और इसे पैटिंग मोशंस में अप्लाई करती हूँ ताकि ये मेरी स्किन में अंदर तक पेनेट्रेट हो जाए। कभी कभी जब मुझे बहुत ड्राई फील होता है तो एक लेयर जब अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है उसके बाद मैं एक और लेयर इस टोनर की अप्लाई करती हूँ। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ ये मामा अर्थ का अंडर आई क्रीम। आप इसकी बॉटल को देखकर ही जान सकते हैं कि मैं इसे कितना ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। इसके प्रिंट्स भी काफ़ी हट चुके हैं, बहुत अच्छी क्रीम है। मेरे अंडर आई एरिया भी बहुत ज़्यादा ड्राई हैं और मुझे डार्क सर्कल की भी प्रॉब्लम है। अगर आपको ये दोनों कंसर्न नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। इस क्रीम को मैं अपने रिंग फिंगर पर लूँगी और अपने आईज पर मसाज करूँगी। रिंग फिंगर से बहुत ही लाइट प्रेशर रहता है। अगर आपको आईज के पास रिंकल्स की प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए भी ये क्रीम बहुत अच्छी है। मेकअप से पहले भी मैं ये क्रीम अप्लाई करती हूँ और फिर लास्ट में मैं पैटिंग मोशंस करती हूँ ताकि ये स्किन के अंदर तक चला जाए और आई एरिया को हाइड्रेटेड रखे। और अब नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी मेरा सेकेंड होली ग्रेल प्रोडक्ट, ये है दी फेस शॉप का हाइड्रेटिंग लोशन। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इसमें चिपचिपाहट नहीं है, चिकनाहट भी नहीं है। आपके स्किन के अंदर डीप लेयर्स को ये हाइड्रेटिंग रखता है, मेकअप के नीचे भी एक बहुत ही अच्छे हाइड्रेटिंग बेस की तरह काम करता है। इसे भी मैं पैटिंग मोशंस में ही अप्लाई करूंगी। कोरियन स्किन केयर के हिसाब से आपको सारे प्रोडक्ट्स को अपने फेस पर पैटिंग मोशंस में ही अप्लाई करना चाहिए और मैं अपने नेक पर भी इसे लगा रही हूँ। अब मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर रही हूँ, यहाँ मैं बॉडी शॉप का लिप बाम लगा रही हूँ। अब क्योंकि डे टाइम है इसलिए मैं सनस्क्रीन लोशन भी अप्लाई करूँगी और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मे का सनस्क्रीन लोशन। काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन है, ये स्किन पर एक मैट इफेक्ट देता है, बिल्कुल ग्रीसीनेस नहीं आती है इससे। शुरू में इसे अप्लाई करने पर ये एक वाइट कास्ट देता है, बट
2-4 मिनट के बाद ये नॉर्मल हो जाता है। सनस्क्रीन लोशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, चाहे आप घर पे हों चाहे बाहर हों, आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिए। इसे मैं अपने फेस पर बहुत ज़्यादा रब नहीं करूँगी, बस एक अपर लेयर की तरह इसे अप्लाई कर लूँगी। गाइस, अपने फेस को मैं वीक में एक बार या कभी कभी 2 बार डीप क्लींस भी करती हूँ, तो मैं यहाँ वही आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने फेस पर बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई नहीं किया हुआ है, थोड़ा सा कंसीलर और मस्कारा है, मैं उसे माइसेलर वाटर से पहले क्लीन कर रही हूँ। फेस को वॉश करने से पहले आप मेक श्योर करें कि आप अपने मेकअप को रिमूव कर लें। और अपने फेस वॉश के लिए मैं करंटली 2 फेस वॉशेज यूज़ कर रही हूँ, ये दोनों ही फेस शॉप के हैं, बहुत ही अच्छे फेस वॉशेज हैं। इससे मैं अपने फेस पर 1 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करूँगी, सर्कुलर मोशंस में मैं इसे मसाज करूँगी और उसके बाद अपना फेस वॉश कर लूँगी। और नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ जीजू वॉल्केनिक लावा पोर स्क्रब फोम, ये दी फेस शॉप का स्क्रब है, बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर है, स्किन को डीप क्लींस करता है और ये स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करता है स्क्रब करने के बाद। इस स्क्रब को मैं 3 से 4 मिनट तक बहुत ही लाइट प्रेशर से अपने फेस पर मसाज करूँगी। मैं अपवर्ड्स और आउटवर्ड्स मोशंस में ही मसाज कर रही हूँ। और मैं नेक पर भी इसी स्क्रब से अच्छे से मसाज करूँगी। तो फेस वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मेरा फेस डीप क्लींस हो चुका है, पर थोड़ा सा मुझे ड्राई फील हो रहा है, तो अगेन मैं चिया सीड हाइड्रेटिंग टोनर यूज़ करूँगी। पैटिंग मोशंस में इसे अप्लाई करूंगी। अकॉर्डिंग टू कोरियन स्किन केयर इस टोनर को हमें 7 टाइम्स अप्लाई करना चाहिए, बट 7 टाइम्स तो नहीं, इस टोनर को मैं कभी कभी अपने फेस पर 2 बार अप्लाई करती हूँ जब मुझे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील होती है। मैं अभी यहाँ सेकेंड लेयर अप्लाई कर रही हूँ। और अब एक्स्ट्रा हाइड्रेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एवोकेडो शीट मास्क। अगर आप शीट मास्क अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप डैमियंग बैम्बू जेल यूज़ कर सकते हैं, ये भी फेस शॉप का ही प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा जेल है, बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन देता है। मैं इसको रात को एक थिक लेयर अपने फेस पर लगा कर इसे एब्जॉर्ब होने देती हूँ, बट आज मैं यहाँ शीट मास्क लगा रही हूँ। इस शीट मास्क को अप्लाई करके मैं इसे 10 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी और बाकी के सीरम को मैं अपने नेक पर, अपने हैंड्स पर और एल्बोस पर लगा लूंगी। सो गाइस, 10 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं मेरी स्किन बिल्कुल क्लीन और फ्रेश फील हो रही है। शीट मास्क के बाद मैं कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करती हूँ, उसकी बिल्कुल भी नीड ही फील नहीं होती है। अगर डे टाइम हो तो मैं 5 to 10 मिनट्स के बाद सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करती हूँ। सो गाइज, ये था मेरा सिंपल सा 5 to 7 मिनट्स का स्किन केयर रूटीन। मैं सभी लेडीज़ से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने स्किन में 5 to 7 मिनट्स तो इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए और जो भी स्किन केयर स्टार्ट कीजिए उसे 1 to 2 मंथ्स तक ज़रूर देखिए, तभी आप उसके इफ़ेक्ट्स जान पाएंगे। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।